नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 28 अक्टूबर 2024 दिन है सोमवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली जादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, आज के क्या क्या रेट है जी। चलिए जानते हैं अरजिंदर शर्मा बाबू जी के पास ये जो गाड़ियां आई है आज की, कहाँ की आई, क्या रेट चले, बिक्री कैसी चली, चले जान लेंगे सारी और भी बातें जानेंगे कुछ इनसे। बाबू जी राम राम जी। राम राम जी। राम राम बाबू जी। कई दिन के बाद मुलाकात हुई आपसे तो जी। भाई साहब बस कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। अच्छा जी। मैं कम आया हूँ। अच्छा जी। अच्छा आज की क्या रिपोर्ट है जी, ये कहाँ कहाँ की गाड़ियाँ जी? एक नासिक की है जी और एक गुजरात की है। अच्छा गुजरात, गुजरानी सॉरी राजस्थान। अच्छा राजस्थान। राजस्थान गुजरात तो नहीं, अब आएगा नया ही आएगा जी, जब भी आएगा। हाँ बिल्कुल आ जाएगा, वहाँ तो आ रहा है। अच्छा जी। वहाँ तो शुरू हो गया मंडियों में, लोकल मंडियों में निकलना शुरू है जी। सब जगह प्याज निकला है थोड़ा थोड़ा। अच्छा जी। मंडी है। अच्छा जी। अच्छा। जहाँ भी प्याज होता है। आज यहाँ की क्या रिपोर्ट है बाबू जी, कहाँ कहाँ कितने माल हैं जी, कहाँ कहाँ? देखो 3000 कट्टे के अंदाज में नया आया है राजस्थान का। 3000 कट्टे नया। हाँ। जी। अच्छा जी। समझ लो बड़ी गाड़ी 8 हो गई। अच्छा जी। और 9-10 गाड़ी नया कर्नाटका का। अच्छा। महाराष्ट्र का है। हाँ जी। तो 17-18 गाड़ी आज कुल मिला के नया मंडी में है। अच्छा जी। बाकी पुराना है। प्याज कुल मिला के वैसे कम है सोमवार के हिसाब से। हाँ जी। बैलेंस भी कम है इसलिए आज 50-100 रुपये बाजार तेज रहेगा। हाँ, तो परसों से दिख रहा है जैसे दूर दूर तक बड़े बड़े चट्टे लगे होते थे। हाँ जी। वो नहीं रहे जी अब। हाँ मैदान से यानी जो दुकानों पे पहले माल भरा रहता। हाँ। था वो खाली हो लिए जी। हाँ हाँ। अच्छा जी। तो इसलिए बाजार 50-100 रुपये आज तेज ही रहेगा परसों से। वाह जी वाह, वाह जी वाह। और बाजार अभी तेज ही रहेगा क्योंकि ना तो राजस्थान का प्याज तैयार है। हाँ जी। पूरा, और ना ही साउथ की बरसातों की मार से प्याज उबर पाया है अभी तक। ठीक है जी। तो जो बाजार चल रहा है इसमें तो अभी कोई गिरावट आती दिख नहीं रही। ठीक है जी। गवर्नमेंट के प्याज भी कम आ रहे इसलिए बाजार गिर तो सकता नहीं है। ठीक अगले है 10-15 दिन चढ़ चाहे जाए। वाह जी वाह। पहले बाबू जी आज इसकी रिपोर्ट दो जी, जो नया प्याज है वहाँ कितना निकलना शुरू है जी, जैसे राजस्थान में या यहीं दिल्ली में आ रहा जी अभी है राजस्थान में? देखो जितना दिल्ली में आ रहा है। हाँ जी। उस ढंग से बाकी जगह पे भी जा रहा है। अच्छा जी। और इसके लिए तो सब मंडियों में फ़ोन करके पूछना पड़ता है। अच्छा जी। और अभी सुबह सुबह हमें तो जरूरत इतनी होती नहीं। अच्छा जी। लेकिन जब यहाँ 3000 है तो 5-7 हज़ार 4 हज़ार और की मंडियों में भी होगा। ठीक है जी। आज की क्या रिपोर्ट रही जी नए प्याज की जी? नया प्याज बिका यहाँ 1600 रुपये से 1900 रुपये तक राजस्थान का। 1600 से 1900 रुपये, 40 रुपये से लेके 47 रुपये तक। वाह जी वो नया प्याज जी। हाँ। अच्छा जी। फुल डिमांड है जी इस समय सब? नहीं नया की डिमांड है, पुराना कोई नहीं लेना चाहता। अच्छा जी। पुराना तो इसलिए लेते हैं कि भाई नया मिल नहीं रहा। ठीक है जी। इस वक्त तो अब नए का सीजन है, नया लोग खुश होकर लेते हैं। पहले नया बिकता है फिर पुराना बिकता है। समझ लो जैसे अभी हैं 9 बजने वाले जी। हाँ। इस समय तक तो बस समझ लो नए प्याज वाले का पर्चा भी बन ले जी। पर्चा पे क्या? हाँ, पर्चा ना भी बना पर बिक बिका गया सारा ज्यादातर। ठीक है जी। हाँ। इस समय तक बिक जाता है जी? बिल्कुल, नए के ग्राहक बहुत। अच्छा जी। हाँ जी। 1600 से और प्याज में पैसे अच्छे मिलेंगे। हाँ जी। जिनका भी वजन बढ़ रहा है उन्हें खुश होना चाहिए क्योंकि ऐसा नहीं लग रहा कि 10-15 दिन में कोई भी प्याज में गिरावट आएगी। वजन बढ़ना मतलब? मतलब खेत में प्याज मोटा होता जाता है तो वजन बढ़ता है ना उसका, उतना ज़्यादा पैसा मिलता है फिर। अच्छा नहीं लोग किसी का 60 मन निकल रहा है 100 मन निकल जाएगा 15 दिन बाद। यानी वो जल्दी कच्चे को भी उखेड़ के ले आते हैं छोटे छोटे? अभी जरूरत नहीं है। अच्छा जी। जो डर के मारा लिया जाता है वो जरूरत नहीं है अभी। ठीक है जी। क्योंकि देखो प्याज शुरू होने के बाद बढ़ने में 15 दिन लगते हैं, अभी तो शुरू ही नहीं हुआ समझ लो आप। ठीक है जी। तो इसलिए कोई भी जिसका वजन बढ़ रहा है उसे अभी उखाड़ना नहीं चाहिए। ये तो चीज़ आपने पहले भी बताई और आपने ये भी बताया अभी जो उनमें से मोटे मोटे हैं। हाँ। उनको उखेड़ लो, छोटे वाले को रहने दो। तो इसलिए हफ्ते बाद जो आप बता रहे हो, मैंने बताया था पहले भी खेत में जाके मोटे मोटे दाने निकाल लो, बाकी रहने दो थोड़े दिन में वो भी मोटे हो जाएंगे तुम्हें पैसे ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है जी।
यहाँ जो कहीं कहीं से भी ऐसे हालात नज़र नहीं आ रहे कि बाजार रुक जाए या गिर जाए। ठीक है जी, हालात सारे तेजी की तरफ हैं। ठीक है जी, यहाँ जो भी पैसा मिलेगा, एक तो वजन का पैसा मिलेगा, जितना हाँ। वजन लेके आएगा एक तो उसका पैसा मिलेगा हाँ। एक्स्ट्रा उसको तो पैसा मिलेगा जो उसका प्याज मोटा होएगा। हाँ बिल्कुल, यानी उसको जितना मोटा उतना तेज। ठीक है, जितना वजन ज्यादा उतना पैसा ज्यादा। ठीक है जी, ठीक है जी। आज की और इसकी क्या रिपोर्ट है जी नासिक की? जी ये भी बिक रहे हैं जी यहाँ पर 1700, 1800, 1900, बढ़िया वाला 2000। अच्छा जी, यानी ये भी समझ लो 44-45 रुपए किलो से लेके 50 रुपए किलो। हाँ, पूना वाले तो और ऊपर होंगे जी फिर? पूना वाले बता रहे हैं 2000-2100। अच्छा जी, ठीक है जी। जो हल्के वाले है वही है 1700, ठीक ठाक 1800-1900। अच्छा जी, एमपी तो समझ लो बस अब खत्म ही के बराबर है जी? नहीं आ रहा है जी, 7-8 गाड़ी आज भी है। अच्छा जी, एमपी क्यों खत्म होगा? एमपी में कोई ऐसी बात थोड़ा है। अच्छा जी, एमपी भी बराबर चलता है पूरा, जब तक पुराना चलता है तो एमपी का भी चलता है। ठीक है जी, सब जगह साधन है जी अब, और सब जगह लोगों के माइंड सब तरह के है, जल्दी बेचने वाले भी हैं, लेट बेचने वाले भी हैं। एमपी वाले भी पैसे कमा रहे हैं। एमपी की एक गाड़ी बहुत बढ़िया थी आज, वो 1900 भी की है। 1900 रुपये? हाँ, 47.5 रुपये। अच्छा जी, हाँ प्याज की कीमत है जी, क्वालिटी की कीमत है, साइज अच्छा हो, डबल पत्ती रंगदार हो, कोई 1900 से कम रेट ही नहीं है। ठीक है जी, हाँ यानी ज़्यादा से ज़्यादा 52.5 रुपये तक। हाँ, 90 रुपये में लगा लो, 40-45-40 रुपये तक कम तो है ही नहीं कुछ भी। हाँ नहीं है। ठीक है, गोली बेची है जी आज 1400 रुपये, 33 रुपये। अच्छा जी, 33 रुपये गोली बेची है। ठीक है जी, और इसके अलावा ये तो माल कम ही हो लिया जी, जैसे नेफेड नुफेड क्या आप तक कहाँ जा लिया जी? NCCF ये तो माल ही नहीं काट रहे जी माल कहाँ? NCCF का माल तो आप समझो कि बहुत कम आ रहा है पिछले 8-10 दिन से, एक रैक लगा जरूर था एक दिन। हाँ जी, बाकी 5 गाड़ी, 2 गाड़ी, 1 गाड़ी, 4 गाड़ी ऐसे आ रही है। ठीक है, कम आ रहा है। ठीक है जी, शायद वो और राज्यों में भेज रहे होंगे। चलो जी, बड़ी बढ़िया खुश खबरी नेफेड की जरूर आ रही है, 10-15 गाड़ी। हाँ जी रोज। बाकी NCCF का पहले माल ज़्यादा आता था, पिछले साल, उससे पिछले साल, इस साल हमारी मंडियों में तो नहीं आ रहा। ठीक है जी, ये बढ़िया जानकारी दीजिए कम से कम भी। यानी आज 150 रुपये बाजार तेजी है जी? तेज होगा, कल और तेज होगा और उम्मीद है जी। हाँ कल और होगा, जब प्याज आज कम है तो कल तो कम होगा ही। ठीक है जी, आज तो खुलता बाजार है जी, सोमवार है, सोमवार खुलता बाजार है जी, डबल मंडी होती है जी, डबल होता है, कल एतवार था तो आज डबल माल हो रहा है। ठीक है, जब डबल माल में ही माल नहीं आया तो कल कहाँ से आ जाएगा। चलिए धन्यवाद बाबू जी, कोई किसानों के लिए मैसेज, तुम्हारों के लिए कोई मैसेज, क्या करना क्या नहीं करना अपनी जिंदगी में? देखो जी, इस वक्त मैसेज एक ही है कि मिठाई खाना और बांटना बंद करो। पूरा देश दुखी हो गया मिठाई से, नकली खोआ, नकली मावा, नकली पनीर, इतनी ज़्यादा चीज़ें नकली मिल रही हैं जिसका हिसाब नहीं है। अब मैं अगर ये कहूँ तो अच्छा नहीं है कि भाई बड़ी बड़ी दुकानों से खरीदो। ठीक है जी, तो दूसरे दुकानों के खिलाफ उनमें भी अच्छे लोग हो सकते हैं। नहीं पर हमारे देश का जो मिठाई का चलन है ना, खाने का, हाँ जी, और बांटने का, मैं ये कहता हूँ इसे रोक दो, ये नकली चीज़ें मिलनी बंद हो जाएंगी। ठीक है, डिमांड आप दूध की ज़्यादा कर रहे हो, खोया पनीर इत्यादि इत्यादि, इतना देश में आधा भी नहीं होता इससे। ठीक है जी, बात आपकी, इसलिए नकली आ रहा है ना। तो मैंने तो आप ये समझो हफ्ता ये 7-8 साल से मिठाई खरीदी नहीं। ठीक है जी, मिठाई खाई नहीं, चाहे ठीक हो। जो विकसित देश हैं, डेवलप कंट्री हैं, उनमें यही होता है कि अगर ऐसे बात आ जाए तो वो चीज़ें उनको छोड़ देते हैं। ठीक है जी, मैं तो देश में सब लोगों से कहूँगा जो मिठाई ज़्यादा खाते हैं या बांटते हैं, आप बिस्कुट पे आ जाओ, आप फलों पे आ जाओ, फल सबसे बढ़िया जी, सेंट पे आ जाओ, आप दसियों सौ सैकड़ों आइटम हैं। ठीक है जी, उन पे आ जाओ, पर मिठाई कम कर दो और बंद कर दो। ठीक है, मिठाई की डिमांड जब पूरी नहीं होगी तो ही तो नकली आएगा। ठीक है जी, तो हम लोग मिठाई का चलन बंद करें, इससे सबकी सेहत बचेगी, अस्पतालों में लोग कम भर्ती होंगे। ठीक है जी भाई, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, 100% जो समझदार हैं वो आज से मिठाई खाना बंद कर दे, बंद कर दो, मिठाई खरीदना बंद कर दो,
इस कदर इसकी डिमांड गिर जाए कि असल बेचना भारी हो जाए, नकली की तो बात ही छोड़ दें। ठीक है, जब डिमांड गिरेगी तो फिर नकली कौन बनाएगा, नकली से कोई लेगा ही नहीं। ठीक है जी भाई, जब किसी को 100 किलो दूध चाहिए और नहीं है तभी तो किसी को कहेगा भाई कहीं से भी ले आ। ठीक है जी, जब कहेगा कहीं से भी ले आ तो नकली आएगा, नकली आएगा जी। आजकल तो एक बंदे पे पैसे हो जाए थोड़े, एक क्विंटल मिठाई तो वो बांट देगा 100 डब्बे। मैं इसीलिए कह रहा हूँ ये डब्बे खाने बांटने बंद करो, इसकी डिमांड भारी गिर जानी चाहिए इन 2-3 दिनों में। जो भी मेरे साथी सुन रहे हैं आगे भी प्रचार करें और मिठाइयों को बिल्कुल बंद कर दें, और बिल्कुल बंद नहीं कर सकते तो 10-20 पैसे लो, 80 पैसे ख़त्म कर दो। ठीक है जी, बिल्कुल मत लो। बाकी चॉकलेट है, बिस्कुट है, अपने फल हैं सारे मीठे। मीठे के बारे में तो आपने पहले भी बोल लिया था, ये तो बिल्कुल मीठा जहर है जी। हाँ, तो इसलिए इन दिनों में तो खासकर त्योहारों में इतनी मिठाई की डिमांड हो जाती है हमारे यहाँ कि नकली बनेगा ही बनेगा। ठीक है जी, और यूरिया व्यूरिया से बनता है सब, किडनी लीवर फेल। लोग कहते तो आदमी बहुत अच्छा है, ये तो कोई ऐप नहीं करता, फिर किडनी कैसे फेल हुई, फिर लीवर कैसे खराब हुआ, वो ऐसे हुआ मिठाई खा के, मिठाई खाता है जी आध किलो। ठीक है जी, तो भाई हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, जो मिठाई खाते हैं बंद करो, जो बांटते हैं बंद करो। ठीक है जी, मिठाई का चलन नहीं है, फलों का करो। और सैकड़ों आइटम हैं इन दिनों में, बहुत से लोग तो पता नहीं क्या क्या गिफ्ट आइटम दे देते हैं, तो आप कुछ भी करो ये मिठाई बंद करो। हमारी जोन से एक ऐप है जी, हाँ, उससे जितने दिल्ली के अमीर पोस्ट इलाके के आदमी है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुड़गावा, साउथ दिल्ली, वो सब जो है ना मिठाई की बजाय सेब के छोटे डब्बे मंगाते हैं, वो 5-5 किलो वाले और 10-10 किलो। मैं 8-10 साल से मिठाई बांट रहा हूँ, नहीं सेब, ये सॉरी सेब बांट रहा हूँ, मिठाई नहीं लेता मैं ना। ठीक है जी, मैंने इस बार डिब्बे बनवाए 5-5 किलो के, जिनमें सेब है, नाशपाती है जी, और अनार है। ठीक है जी, कि एक चीज़ का डिब्बा दे दो, खाया नहीं जाता, खराब होता है, हमारे घर भी दे जाता है कोई तो। ठीक है जी, तो 3 तरह के आइटम डाल दिए जो खाए जाएंगे सबसे सबसे बढ़िया जी। तो फल देना शुरू करो, चॉकलेट दो, मिठाई कुछ भी दो, फल से बढ़िया तो मेरे कुछ है ही नहीं। फल देंगे फल मिलेगा, मिठाई देंगे बीमारी मिलेगी जी बदले में। तो इसलिए आप अपने पैसे खराब करके अपने आदमियों को बीमारी मत दो। ठीक है जी, और जो खा रहे तुरंत बंद करें, हालात देश के खराब हैं। देख, सरकार टेलीविजनों पे बता सकती है, मीडिया वाले रोज चिल्ला रहे हैं कि बुरा हाल है, अब बाकी काम तो हमारा है ना कि हम ना खाएं ना खरीदें। ठीक है जी, 3-4 गुनी डिमांड बता रहे हैं जितना दूध होता है उससे, तो 75-70-60 पैसे तो नकली बन रहा है ना आज, फिर तुम कैसे असल खा लोगे। 75 कहाँ जी, ये तो 99% है जी, 100% नकली दूध ही नहीं है जी पूरा, बस फिर खत्म होगी ना बात। सब ने गऊ भैंसे रखनी बंद कर दी, किस पे समय है जी, खेत में काम करेगा गऊ भैंसे का काम करेगा जी। तो इसीलिए हमारा तो ये कहना कि मिठाई बंद कर दो इस सीजन में, कोई और चीज दो, मिठाई मत खरीदो और ना खाओ। ठीक है जी, हमारे पास 10-12 गऊ रहे करती हर समय, हाँ, जब का मैं दिल्ली आया घर वालों ने भी सांगले खोल दी, एक गाय है उसका दूध पी रहे जी, सिर्फ एक गाय, ओनली एक। सबका यही हाल है जी, जो कमर्शियल कर रहे हैं उनकी तो बात और है। हाँ जी, वरना सबके हाथ पे, कमर्शियल ने भी घास महंगे हो गए जी, गांव से निकल के शहरों में पढ़ने चले गए या कमाने चले गए। ठीक है जी, अब बुढ़ा बुढ़ी है वो क्या करें। हाँ जी, हाँ ठीक है जी, बात आपकी। तो इसलिए कुछ नहीं, मिठाई बंद करो। पशु चारा ही महंगा हो गया जी, रखने ही भारी पड़ गए जी, पशु इस समय बिल्कुल महंगी है जी। ठीक है जी, धन्यवाद बाबू जी, आज के लिए बिल्कुल, प्याज के लिए अभी भी बहुत अच्छा है। अच्छा जी, और अच्छा ही रहेगा प्याज, क्योंकि साउथ का खराब हो गया है, इसलिए प्याज वालों को अच्छे ही पैसे मिलेंगे इस नई फसल के। अच्छा, बढ़िया। अच्छा, साउथ वाले प्याज का क्या बाजार चल रहा है, जो नया प्याज है जी इस समय? भाई साहब, दागी आ रहा है सारा, फिर भी 30 रुपये से लेके 40 रुपये तक बिक रहा है। अच्छा जी, है तो ऊपर दागी है जी, वहीं पर ही बिक रहा है आस पास में। अभी मेरी एक आदमी से बात हुई, व्यापारी से, बड़ा व्यापारी है, तो कहला क्या भाव, मैंने कहा भाई 1800 रुपये बिकेगा अगर दागी नहीं होगा। कह रहा ऐसा कट्टा भी नहीं है। मैं कहा फिर जितना दागी होगा उस हिसाब से बिकेगा। ठीक है, ज़्यादा होगा कम बिकेगा, कम होगा ज़्यादा बिकेगा, लेकिन उसको 1600 से ऊपर मत मानो।
हजार से 1600 मान लो आप। ठीक है जी, चलिए धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, समय निकाल के सुबह सुबह अच्छी रिपोर्ट दी और जागरूक करा जी। बस ऐसे ही बनाए रखो जी, अगला साल बढ़िया रहेगा, बढ़िया साल, अगला साल भी बढ़िया टप जाए जी। हाँ, बस धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मोबाइल नंबर बाबू जी? राजेंद्र ओनियन एजेंसी, A 334, नई सब्जी मंडी, आज़ादपुर दिल्ली, पर नंबर 2526। मोबाइल नंबर है 98-102-61-648। धन्यवाद बाबू, आपको और किसानों को बधाई, प्याज तेज रहेगा, पैसे बढ़िया मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।